भारत सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम संभालते हैं गृह मंत्रालय में श्री किरण रिजिजू जी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर पीके मिश्री जी, गृह सचिव श्री राजू जी महर्षि, सरस एनडीए में श्री आर के जैन, एडिशनल सेक्रेटरी आपदा प्रबंधन श्री विपिन मलिक, विभिन्न राज्यों से आए सभी सम्मानित मंत्रीगण, देवियों एवं सज्जनों, आप सभी को यह जानकारी है कि आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय मंच नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की यह दूसरी बैठक हो रही है और इस दूसरी बैठक में आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं अपने को सौभाग्यशाली मान रहा हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत विश्व के आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। हमारी लगभग 50% से अधिक आबादी भूकंप, बाढ़, समुद्र तटीय चक्रवात, सूखा और सुनामी से प्रभावित है। आपदाओं से होने वाले जान माल की क्षति को प्रभावी तरीके से कम करने के लिए भारत सरकार ने एक मल्टी स्टेक होल्डर नेशनल प्लेटफॉर्म का गठन किया है, जिसकी पहली बैठक वर्ष 2013 में हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के मंत्रीगण, राज्यों के मंत्रीगण, अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लोगों ने भाग लेकर अपना सार्थक योगदान दिया था। इस नेशनल प्लेटफॉर्म के गठन का मुख्य उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए देश के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करना था, साथ ही साथ समय समय पर उठाए गए कदमों का रिव्यू करना एवं राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करना रहा है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य डिजास्टर मैनेजमेंट एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में हम कैसे सक्षम हों इस पर चर्चा करना तथा प्रभावी रूप से काम करने के लिए आगे की रणनीति तय करना है। आपको याद होगा कि वर्ष 2015 में विश्व स्तर पर 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सेकंडरी फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और थर्ड COP 21 पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। भारत इन तीनों का सिग्नेटरी है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की दृष्टि से ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब जोर आपदा के पश्चात रिस्पांस पर ही नहीं बल्कि आपदा के जोखिम को कम करने पर है, जैसा कि होना भी चाहिए। अगर रिस्क को कम करना है तो इंसान की गतिविधियों से क्लाइमेट चेंज नहीं हो, यही आवश्यक है। इसी प्रकार विकास और प्रगति, जो स्वयं अपनी जगह आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, आम आदमी के लिविंग स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए ऐसे विकास से इकोलॉजी और एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं हो, यह भी आवश्यक है। अतः यह अंतर्राष्ट्रीय समझौते एक कड़ी के भाग हैं और किसी एक उद्देश्य, उदाहरणार्थ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को पाने हेतु अन्य 2 उद्देश्यों को पाना भी अत्यावश्यक है। इस महत्वपूर्ण इंटरडिपेंडेंस की महत्ता को समझते हुए वर्ष 2016 में भारत ने इन समझौतों को क्रियान्वित करने हेतु नई दिल्ली में एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का आयोजन किया था। इसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एशिया रीजनल एक्शन प्लान को एडॉप्ट किया गया था। इसी क्रम में इस 2 दिन की NPDRR की बैठक में सभी सदस्यगण एवं एक्सपर्ट्स आपदा के रिस्क को कम करने हेतु इसके विभिन्न कंपोनेंट्स जैसे प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन पर पूर्ण रूप से विचार कर वर्ष 2017 से लेकर 2030 तक का एक्शन प्लान बनाएंगे। आपदाओं के रिस्क को कम करना अब हमारे लिए चॉइस नहीं है बल्कि
बल्कि यह एक अहम जरूरत भी है। मुझे याद है कि वर्ष 1999 के उड़ीसा सुपर साइक्लोन में करीब 10,000 से अधिक लोगों की जाने गई थी और अरबों रुपयों की आर्थिक हानि भी हुई थी, और उसके पश्चात वर्ष 2001 में गुजरात में आए भूकंप और वर्ष 2004 में आई सुनामी ने देश को झकझोर दिया था। तब से लेसन्स लेते हुए भारतवर्ष में आपदा प्रबंधन के अप्रोच में पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। देश में संस्थागत एवं योजनाबद्ध तरीके से आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009, एनडीआरएफ, एनडीएमए और एनआईडीएम का गठन महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में वर्ष 2013 में प्रथम नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का गठन किया गया था। विश्व स्तर पर भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में भारत ने अपना योगदान दिया है। वर्ष 2015 में जब जापान में सेंडई फ्रेमवर्क पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने स्वयं इस बात पर जोर दिया था कि आपदा के रिस्क को कम करने में सरकार के साथ साथ अन्य संगठनों की भूमिका ही उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए जितनी की सरकार की है। सेंडई फ्रेमवर्क की केवल 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर हम देखें तो इनमें आपदा से होने वाले मृत्यु, प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या तथा आर्थिक नुकसान को कम करना भी शामिल है। डेवलपमेंट के विभिन्न योजनाओं को बनाते वक्त हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स इन सभी फैक्टर्स को कम करने में कैसे मददगार साबित होंगे। हम लोग यह सुनकर पले बढ़े हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। विश्व के कई देशों ने इसे धरातल पर करके भी दिखाया है, भारतवर्ष ही इस प्रयास में पीछे नहीं रहा है। मैं 2 उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा। पहला, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि विश्व का शायद सबसे बड़ा इस तरह का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम ने जिन तटीय राज्यों में अर्ली वार्निंग को सुदृढ़ किया है, स्थानीय स्तर पर साइक्लोन शेल्टर्स बनाए हैं, वहां पर चक्रवातों से होने वाली मृत्यु दर को हम 95% तक कम करने में कामयाब हुए हैं। दूसरा, हमारे पर्वतीय इलाकों में भूकंप आने के बाद जो पूर्ण निर्माण हुआ है और जहां जहां भूकंप और अवरोधी मकान बनाए गए, वहां भले ही इन मकानों की लागत 8 से 10% अधिक रही है, लेकिन भूकंप की प्रबल संभावना वाले इन इलाकों में इन मकानों को बाद में आने वाले भूकंपों से 9 के बराबर क्षति हुई है। हम ये कह सकते हैं कि हर 1 रुपये की अतिरिक्त लागत से लगभग 10 रुपये की बचत हुई है। भारतवर्ष भी इस प्रयास में पीछे नहीं रहा है। मैं 2 उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा। वर्ष 2001 में आए गुजरात के भूकंप के पश्चात जो लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए कदम उठाए गए, उसे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में पहचान मिली है। इसके लिए गुजरात सरकार को यूएन सासाकावा अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। यहां तक कि इसके फलस्वरूप सेंडई फ्रेमवर्क में भी बिल्ड बैक बेटर को प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2013 एवं 2014 में आए साइक्लोन फाइलिंग या हुदहुद में हमने नुकसान को काफी कम करने में कामयाबी हासिल की है। इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि इनमें मृतकों की संख्या क्रमशः 42 या 24 रही है, जबकि इसी से कंपेरेबल उड़ीसा के 1999 के सुपर साइक्लोन में करीब 10,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों से डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बनाने का अनुरोध किया है, जिसमें अपने अपने क्षेत्र के रिस्क को कम करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाने का अनुरोध किया है। मुझे बताया गया है कि कृषि मंत्रालय द्वारा पशुधन की सुरक्षा के लिए लाइव स्टॉक
डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बनाया है जो विश्व में अपने तरह का वह पहला प्रयास है। इसी तरह देश के अन्य राज्यों में भी कुछ सराहनीय व अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, साइक्लोन शेल्टर का निर्माण, सेलिन एम्बार्कमेंट्स का निर्माण, मजबूत डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का केंद्र एवं राज्य स्तर पर गठन तथा कम्युनिटी प्रिपेयरनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग, इस दिशा में उठाए गए यह महत्वपूर्ण कदम है। इन उदाहरणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर हो पूरी तैयारी तो आपदा नहीं है भारी। अतः हम सभी को मिलकर आपदाओं के रिस्क को कम करने के लिए पहले से ही पहल करनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने AMCDRR 2016 के दौरान अपने उद्बोधन में 10 सूत्री एजेंडा पॉइंट्स का जिक्र किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन बिंदुओं पर क्रमवार चर्चा करते हुए भविष्य के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाएगी। इन कार्ययोजनाओं के मूल्यांकन हेतु एक व्यवस्था की रूपरेखा की संरचना पर भी गहन विचार विमर्श किया जाना यह अपेक्षित है, ताकि हमें इस बात का पता चलता रहे कि हम इस दिशा में कितना प्रयासरत हैं और इसमें हमने साझा रूप से कितनी सफलता हासिल की है। भारत ने आपदाओं को कम करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने में अग्रणी भूमिका अदा की है। इस क्रम में नई दिल्ली में सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ भारत ब्रिक्स, बिम्स्टेक, ईस्ट एशिया क्षेत्रों में भी अपना सहयोग देता रहा है। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन हेतु विशेष सैटेलाइट दक्षिण एशियाई देशों के लाभ के लिए पिछले सप्ताह प्रक्षेपित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के क्षेत्र में हमारे देश का नाम एक अग्रणी देश के रूप में पुनः स्थापित हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस बैठक के पूर्व महत्वपूर्ण विषयों पर 14 प्री इवेंट्स एनडीएमए एवं एनआईडीएम द्वारा आयोजित किए गए हैं, जो कि इस दिशा में एक सराहनीय पहल है। इन चर्चाओं में स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण, इंक्लूसिवनेस, वीमेन एम्पावरमेंट एवं नेशनल प्लान आदि मुद्दों पर गहन विचार विमर्श कर सिफारिश की गई है, जिन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में समाज के वल्नरेबल कम्युनिटी पर विशेष एक्शन प्लान बनाने हेतु भी मैं अपील करता हूं और आशा करता हूं कि इस पर महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में होगी। अभी पिछले सप्ताह की द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के एक कैप्शन डेथ इज इनिविटेबल बट ए बैड डेथ इज नॉट ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसका तात्पर्य यह है कि मृत्यु को तो हम रोक नहीं सकते, परंतु आपदा से होने वाली असामयिक मृत्यु को रोका जा सकता है। परिवार के एक सदस्य की असामयिक मृत्यु से संपूर्ण परिवार तहस नहस हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें प्रिवेंटिंग द प्रिवेंटेबल डेथ्स की दिशा में पूरी क्षमता से काम करना चाहिए। अंत में मैं आप सभी का ध्यान नेशनल प्लान की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जून 2016 में रिलीज किया है। इस प्लान का उद्देश्य भी भारत को डिजास्टर रेजिलियंट बनाना तथा जान और माल को के नुकसान में कमी लाना है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजास्टर से हो रहे नुकसान को कम करने के लिए अपनी कटिबद्धता को दोहराते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारत सरकार द्वारा इस हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाएं भी की गई है। राज्यों के प्रयास को सप्लीमेंट करने हेतु SDRF की समग्र निधि को जो 35,580 करोड़ रुपया 2010-15 से बढ़ाकर 2015-20 की अवधि के लिए 61,220 करोड़ कर दिया गया है। सस्टेनेबल
डेवलपमेंट एवं डिजास्टर रेजिलियंट डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास, कृषि सिंचाई योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ कार्यक्रम आदि के साथ डिजास्टर मिटिगेशन प्रोग्राम्स की सही सिनर्जी स्थापित की है। विकास एवं आपदा प्रबंधन में एक गहरा रिश्ता है। सही विकास जो रिस्क को कम करे, उसमें आपदा प्रबंधन विभाग के अलावा अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स के साझा प्रयास से ही रेजिलियंट डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले एक वर्ष जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, उसकी सहायता से हम इस बड़ी चुनौती का बड़ी ही आसानी से सामना कर सकेंगे। डिजास्टर रिस्क डायनेमिक है। कल का रिस्क आज की रिस्क से भिन्न हो सकता है, अतः भविष्य की रूपरेखा उसी के अनुरूप फ्लेक्सिबल बनाई जाए, जिसमें बदलाव को एडॉप्ट किया जा सके। देवियों एवं सज्जनों, मैं बैठक में आए आप सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए बैठक की सफलता की कामना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी संगठित रूप से देश को एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य देने का भरोसा दे सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।